अच्छा जी, पेज नंबर 68 निकालें। ए और बी लिखा हुआ है कि व्हाट डज ए मीन एंड व्हाट डज बी मीन। ए का क्या मतलब है और बी का क्या मतलब है? सी ए में आ गए हैं और ए और बी का मतलब नहीं पता। अच्छा, एक साहब कहते हैं जी मेरा टैक्स आया 50, मैंने आपको कहा था इसमें से आपने माइनस करना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, मिसाल के तौर पे 20, फिर टैक्स कितना आ गया 30। फिर आपको मैंने कहा था कि आपने माइनस करना है टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 से 63, मिसाल के तौर पे चैरिटी का टैक्स, इसको माफ किया हमने 5 रुपए, तो जवाब आ गया 25। ये जो 50 रुपए है ना, 50 रुपए, इसका मैं नाम रखूंगा टैक्स बिफोर अलोइंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट एंड बिफोर अलोइंग 61 टू 63 का टैक्स क्रेडिट। ऐसे ही है, 50 का जरा नाम बताएं क्या रखा जा सकता है, टैक्स बिफोर अलोइंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट एंड बिफोर अलोइंग 61 टू 63, और 25 का नाम मैं रख सकता हूं टैक्स आफ्टर अलोइंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट एंड आफ्टर अलोइंग 61 टू 63। ऐसा ही है, इस 30 का नाम, असल में मैंने आपको बताने, इस 30 का नाम होगा ऐसा टैक्स बिफोर अलोइंग टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 टू 60, बट इट इज आफ्टर अलोइंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट। क्लियर? इतना सा नोट करें, इंग्लिश फिर ऊपर वाली मैं खुद पढ़ाऊंगा अभी। इट इज अ टैक्स बिफोर अलोइंग टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 टू 63, 30 रुपए। देखिए भाई, इधर से लेक्चर लेके चले जाएं, वरना टीचर ने यहाँ पे घर तक आ जाना है यूट्यूब के ऊपर, तो वो फिर मुनासिब नहीं होगा। कोई बात यार, मान जाए, किसी तरह मान जाओ। अच्छा, किसने जाना था लेकिन अब बातें सुन सुन के नहीं जा रहा। वेल डन, वेल डन, एक हो गया। किधर, कौन सा शहर है इनका? हाँ जी, भावल नगर। 6 घंटे जुमे तक चले जाओ, जुमा पढ़ के चले जाने, जैसे संडे लेने जाओ। चलो गुड, पॉइंट ए, पॉइंट ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। अच्छा, असल में मसला ये है कि हमारे से सैलरी का चैप्टर आगे शुरू हो जाना है और वो फिर 15-20 दिन पे चलना है, तो उसमें अगर आपका कोई बीच में लेक्चर मिस हो गया तो आपके लिए मसला नहीं, मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो जैसे भी आपकी मर्जी है, इधर बैठ के ले लें ज्यादा बेहतर है। ए इज द अमाउंट, एक माहौल बना होता है, सारे आए होते हैं। ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल फॉर द ईयर बिफोर अलाउंग एनी टैक्स क्रेडिट, लेकिन इसको वाज़े तौर पे लिख लें, अंडर सेक्शन 61 टू 63, अंडर सेक्शन 61 टू 63। असल में यहां फॉरेन का उसने जिक्र नहीं किया, फॉरेन का ना उसने नीचे जाके एक जगह जिक्र कर दिया कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपने पहले देना है, तो इसका मतलब है कि ये वाला आपने बाद में देना है। तो इसको ना, आपको मैंने बताया था कि इस फिगर को यूज करना है ए ओवर बी इनटू सी के तौर पे, याद आ रहा होगा आपको, मैंने जिस वक्त वो न्यूमेरिकल करवाया था कैपिटल गेन चाइना बिजनेस थोपिया वाला, तो इसको हमने ए के तौर पे यूज किया था जब 61 टू 63 वाला टैक्स निकाल रहे थे। तो ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स बिफोर अलाउइंग टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 टू 63। अच्छा, कल वो हमारा एक पॉइंट रह गया था 65F में, जो लोग तीन किस्म का काम कर रहे हैं। अच्छा यार, हाँ, एक दो चीजें आपको बतानी थी, और वो ये बतानी थी कि ये जो वुमेन एंटरप्राइज वाला टैक्स माफ होना है ना, ये मैं एक बात कर रहा था, ये जो वुमेन एंटरप्राइज वाला टैक्स है, ये 25% माफ कैसे होगा? ये 25% माफ ऐसे होगा कि आप टेबल 1 या 2 लगाएंगे और जो टैक्स आएगा फिर उसको आप 25% माफ करेंगे, वो वाला टैक्स आ जाएगा, फिर इसमें से आप 25% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वुमेन एंटरप्राइज के लिए अलग टेबल दिया हुआ टैक्स का, या टेबल 1 और 2 ही लगेगा, टेबल 1 और 2 ही लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि आपने इसको टैक्स कितना माफ करना है। टेबल 1 और 2 के मुताबिक वुमेन एंटरप्राइज का टैक्स निकलेगा और फिर कितने परसेंट उसमें से माफ हो जाएगा, 25%। इसको न्यूमेरिकल मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इसके न्यूमेरिकल चैप्टर 19 में आएंगे, हम करेंगे, अभी सिर्फ सादा सा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 शुरू करें, उधर देख के आओ। अच्छा तो मोहतरम,
ये वुमेन एंटरप्राइज के बारे में बात करनी थी। अच्छा, कल हम पढ़े थे 65A, 65F पढ़ रहे थे कल हम। 65F निकालें, कोई नहीं, ठहरे बंद हो गए, कोई मसला नहीं। पेज 72 पे आएं, 65F निकालें। जारी रखो, कोई मसला नहीं। उधर नजर आ रहा है, ये बताओ। नहीं नजर आ रहा, चलो ठीक है, पॉज करो। अच्छा जी, कल हम पढ़े थे सेक्शन 66, 65F। इसमें तीन लोगों को हमने टैक्स माफ किया था, एक कोल माइनिंग वालों को 100% टैक्स, एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से जिन्होंने अपना सेटअप अप्रूव करवाया हुआ है उनको, और दूसरा हमने टैक्स माफ किया था जो आईटी सर्विसेज दे रहे हैं। शर्त यह है कि 80% पैसा पाकिस्तान में नॉर्मल तरीके से लाएं, चोरी करके ना, नॉर्मल तरीके से लाएं, तो इनको 100% टैक्स माफ होगा। इनके लिए भाई तीन शरायतें सुन लें। पहली शर्त यह है, इनकम टैक्स वाली रिटर्न हर साल जमा करवाएं, इनकम टैक्स वाली रिटर्न हर साल जमा करवाएं। दूसरी शर्त है, सेल्स टैक्स वाली रिटर्न हर महीने जमा करवाएं, हर महीने जमा करवाएं। अच्छा, एक होती है क्रिसेंट कॉलेज एक विदहोल्डिंग एजेंट है। क्या है? विदहोल्डिंग एजेंट। क्यों विदहोल्डिंग एजेंट है? क्योंकि ये एम्प्लॉयज की सैलरी पे क्या काटते हैं? टैक्स काटते हैं। तो ये विदहोल्ड करते हैं टैक्स। क्या करते हैं? विदहोल्ड करते हैं। तो कॉलेज वाले क्या हैं? बोले विदहोल्डिंग एजेंट। विदहोल्डिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ये टैक्स काटते हैं एम्प्लॉय की सैलरी पे, और किसके खजाने में जमा कराते हैं? गवर्नमेंट के खजाने में। इसलिए कॉलेज वालों को कहते हैं विदहोल्डिंग एजेंट। ये बात नोट कर लें। अब पॉज कर दो ना, फिर क्या हो सकता है। इधर ले आओ। तो क्रिसेंट कॉलेज वाले विदहोल्डिंग एजेंट हैं, इनकी ये जिम्मेदारी है कि ये क्या करेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी पर टैक्स डिडक्ट करेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी पर टैक्स डिडक्ट करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर क्रिश्चियन कॉलेज वाले एम्प्लॉयज की सैलरी पर टैक्स डिडक्ट करते हैं, तो क्या ये हुकूमत को बताएं कि हमने साल में किसकी इसकी सैलरी पर डिडक्ट किया, या ना बताएं? बताएं, ये बताएं किसी चीज पर लिख के, या जबानी कलामी किसी चीज पर लिख के बताएं, उस स्टेटमेंट का नाम क्या होगा? सोचें जरा, जिस स्टेटमेंट पे क्रिश्चियन कॉलेज वाले हुकूमत को लिख के बताएं कि हमारे इतने एम्प्लॉयज हैं और हमने उनकी सैलरी पे इतना इतना टैक्स काटा है, उस स्टेटमेंट का नाम क्या होगा? विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट, विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। तो ये नोट कर लिया आपने? ये नोट कर ले, फिर मैं आगे इंग्लिश पढ़वाता हूं। फॉलोइंग अदर कंडीशन, विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फॉर रेलिवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड, वो भी आपने जमा करवानी है। इफ पर्सन इज विदहोल्डिंग एजेंट, अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो आपने क्या जमा करवानी है? विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। तो विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट उर्दू में लिखने क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की सैलरी पर जो टैक्स काटती है उसकी डिटेल गवर्नमेंट को जमा कराती है। ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की सैलरी पर जो टैक्स काटती है उसकी स्टेटमेंट हुकूमत को जमा करवाती है। इसे क्या कहते हैं? विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की सैलरी पर जो टैक्स काटती है उसे गवर्नमेंट को जमा कराती है। दिस इज कॉल्ड एज विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 65G। सेक्शन 65G, क्वेश्चन नोट करें। सेक्शन 65G का टैक्स कितना है जी? एक बंदे का 9 लाख। इसने प्लांट खरीदा कितने का? 5 मिलियन का। ये नया सेक्शन है 65G। अब जी इस चैप्टर का आखिरी बेनिफिट सुन लें। अगर कोई बंदा प्लांट खरीदता है नया, तो हुकूमत उससे खुश होकर कहती है कि हम तुम्हें प्लांट की कॉस्ट का 25% टैक्स माफ करेंगे। कितना? प्लांट की कॉस्ट का 25% टैक्स माफ करेंगे। तो अब इसका मैं सोल्यूशन खोलने लगा हूं। समझ आ गया सोल्यूशन कैसे होगा? कैलकुलेटर पकड़े। प्लांट की कॉस्ट कितनी है? 5 मिलियन। जिसने कसम खाई हुई कैलकुलेटर ना पकड़ने की, वो भी पकड़ ले कैलकुलेटर। 5 मिलियन, 5 मिलियन पे लगाएं 25%, 12,50,000, 12,50,000। आपने कैलकुलेटर पकड़ा? कैलकुलेटर पकड़ना।
5 मिलियन प्लांट की कॉस्ट है, इसके ऊपर अगर आप कितने परसेंट लगाएंगे, 25%, तो 12,50,000 का टैक्स आपको माफ होगा। तो अब आप मुझे बता दें, ये जो 12,50,000 ये सोल्यूशन है अब आपके सामने, टैक्स कितना बनता है इसका, 9 लाख। अब आप किस सेक्शन के तहत टैक्स क्रेडिट देंगे, 65G के तहत, 5 मिलियन का 25%, 12,50,000। इस 350 के बारे में फिर मैं आपसे बात करता हूँ, वैसे तो आपको पता है शायद इसके बारे में, तो ये नोट कर लें सोल्यूशन। तो प्लांट की कॉस्ट का कितने परसेंट टैक्स माफ हुआ करेगा, 25%। ये टैक्स ये 2015 है मिसाल के तौर पे। जी टैक्स कितना बन रहा है, 9 लाख, माफ कितना हो रहा है, 12,50,000। कितना टैक्स ऐसा है जो माइनस नहीं हो सका, 3 लाख। इसके साथ क्या करें, इट शेल, बोले 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 बोले, इट शेल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, अगले साल माइनस नहीं हो सकता, इट शेल नॉट बी रिफंडेड, वापस नहीं मिल सकता, इट शेल नॉट बी कैरिड बैक टू दी प्रिसीडिंग टैक्स ईयर। ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गई, होए। इधर आओ जल्दी आओ, होए, जाओ वापस। कैन यू बिलीव योर आईज, एटलीस्ट आई कांट यार, होगी समझ नहीं आ रही कैसे पढ़ाऊं, इन मे बी कमाल होगी। वो देखो वो खुशी नहीं हो रहा यार, वो कह रहे मेरा बिजनेस नहीं है ना, मुझे क्या। तो भैया ये वाहिद ऐसा टैक्स है विच कैन बी, अगर आप 2015 में माइनस नहीं कर सके तो 16 में माइनस कर लें। इनके न्यूमेरिकल्स हमने ना लॉसिफ चैप्टर में करने हैं, कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं उसका न्यूमेरिकल अभी नहीं करा रहा मैं, बस बता रहा हूं सिर्फ। 15 में माइनस नहीं कर सके 16 में कर लें, 16 में माइनस नहीं कर सके 17 में कर लें, लेकिन उसके बाद नहीं, बट 2 साल अगले माइनस हो सकता है, किसी 2 साल भी अगले अगर आपका टैक्स अच्छा खासा आ जाता है तो उसमें से आप 3.5 लाख माइनस कर लें। ओके पढ़े जी सेक्शन 65G। टैक्स क्रेडिट ऑफ 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से मुराद है परचेज की कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। टैक्स क्रेडिट ऑफ 25%, इधर देखें, टैक्स क्रेडिट ऑफ 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज अलाउड, 25% टैक्स आपको माफ होगा टू एलिजिबल पर्सन। एलिजिबल पर्सन हम नीचे पढ़ते हैं क्या है, टू एलिजिबल पर्सन इन द ईयर ऑफ परचेज, इन्वेस्टमेंट से मुराद परचेज। तो प्लांट खरीदने पे आपको कितने फीसद टैक्स माफ होगा, 25%। इट विल बी अलाउड, अलाउड का मतलब है डिडक्टेड। चले मैं लिख देता हूं, किताब पे नहीं लिखना था, मैं आ रहा हूं, फिर आप कहेंगे घर तक आ गए हैं जो जा रहे हैं, जाने वाले ने तो जाना है, हम उसको रोक सकते हैं, थोड़ी कोशिश करें, अफ्तारी करा दें उसे आज की। इट विल बी अलाउड, ये माइनस करने की इजाजत है, अगेंस्ट द नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी। यार इसको ना ऐसे याद कर लिया करें, ये फाइनल और मिनिमम इस चैप्टर के आपके सिलेबस में कोई नहीं है, वैसे ही ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट में याद कर लिया करें ऐसे बस। इट विल बी अलाउड अगेंस्ट नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी, नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी में से ये माइनस होगा, इट विल बी अलाउड अगेंस्ट नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी। अनएडजस्टेड अमाउंट का क्या मतलब है, जो माइनस हो गई या जो नहीं हो सकी, अनएडजस्टेड अमाउंट मे बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट टू टैक्स ईयर, सब्सिक्वेंट टू, यानी 15 में अगर माइनस नहीं हो सकी तो आप कहां जाके माइनस होगी, या 16 में या 17 में, क्लियर। अच्छा अब आप क्या क्या खरीद सकते हैं, आप नई मशीन खरीद लें, नई बिल्डिंग खरीद लें, नया इक्विपमेंट खरीद लें, नया हार्डवेयर खरीद लें, नया सॉफ्टवेयर खरीद लें। अगर आप ये चीजें खरीदें तो आपको टैक्स माफ होगा। हमने क्या खरीदा था, प्लांट, हमने क्या खरीदा था, प्लांट। क्या ये प्लांट के खरीदने पे है या बाकी चीजें भी खरीद सकते हैं। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मीन्स एन इन्वेस्टमेंट मेड इन द परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ बला बला बला, लेकिन अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि अगर आपने दो चीजें खरीदी तो टैक्स माफ नहीं होगा, दो चीजें अगर आपने खरीदी टैक्स माफ नहीं होगा। सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, बना बनाया खरीदा या ऑर्गेनाइजेशन में खुद बनाया, अगर खुद बनाया आपने सॉफ्टवेयर तो टैक्स माफ नहीं होगा। एक ये फर्क हो गया,
और दूसरा यूज्ड कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स यही है, बिल्डिंग इक्विपमेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज्ड कैपिटल गुड्स, ये रेपिटेशन है। ऊपर बता रहे कि न्यू के खरीदने पे टैक्स माफ है, तो इंप्लाइड है कि यूज्ड पे टैक्स माफ नहीं है, यूज्ड तो एक्सेप्शन में चला गया ना फिर, तो ये रेपिटेशन है। न्यू का मतलब यही है कि न्यू पे टैक्स माफ होगा एक्सेप्ट यूज्ड, तो वही मतलब है, तो यूज्ड पे टैक्स माफ नहीं होगा। अगर आपने यूज बिल्डिंग खरीदी, यूज प्लांट खरीदा, यूज से मुराद है ब्रांड न्यू या सेकंड, ब्रांड न्यू या सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, तो फिर आपको टैक्स माफ नहीं होगा। ओके, ये बेनिफिट किन लोगों को अवेलेबल है, ये बेनिफिट किन लोगों को अवेलेबल है, जितना जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा ना उतना उतना आपने पढ़ना है। ये बेनिफिट अवेलेबल है ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, बोले इंडस्ट्रियल टेकिंग होती है फैक्ट्री वगैरह, अभी सारा नोट करने का टाइम दूंगा, पांच मिनट के लिए सारी बातें तफसील से समझनी है, थोड़ा सा जरा ये समझने वाला सेक्शन है इस पूरे चैप्टर में ना, ये वाहिद एक सेक्शन है जरा समझने वाला है। ये टैक्स किसको माफ होगा, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कौन सी होती है, जो मैन्युफैक्चर करे गुड्स, क्या मैन्युफैक्चर करे गुड्स, जितना पढ़ा रहा हूं, जो क्या मैन्युफैक्चर करे गुड्स, या जहाज बनाए, क्या बनाए जहाज, बहरी वाले आप पता नहीं, या जहाज बनाए, तो इनको क्या माफ होगा, टैक्स माफ होगा। क्लियर, व्हाट इज ग्रीन फील्ड, ग्रीन का ग्रीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ग्रीन कलर से, ग्रीन का ग्रीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग ऐसा इदारा है जो गुड्स बनाए या पूरे जहाज ही बना ले, गुड्स में कुछ भी आ जाते, एसी बनाए, पंखे बनाए, कोई कैलकुलेटर बनाए, गुड्स बनाए बस, ठीक है। और सेक्शन 65 जी कहते हैं कि ऐसा इदारा जो ऐसा प्लांट बनाए जिस प्लांट से एनर्जी बने सोलर के जरिए, यानी जो सोलर प्लेट्स होती हैं वो सोलर प्लेट्स लोग हाथों से बनाते हैं या वो भी किसी प्लांट में बनती होंगी, प्लांट में डाल के बनती होंगी, तो सोलर प्लेट्स बनाने वाला प्लांट अगर कोई बंदा पाकिस्तान में लगा ले तो भी उसको ये टैक्स माफ होगा। ये थोड़ा सा इंग्लिश का फिक्रा समझने वाला है, पिछले वाले शांत है, ये जरा समझिएगा। ऐसा इदारा जो प्लांट बनाए फॉर एनर्जी जनरेशन फ्रॉम सोलर, सोलर से एनर्जी निकालने के लिए जो है प्लांट बनाना पड़ेगा, तो इससे सोलर प्लेट्स बनेंगी। तो ये दो किस्म के इदारे हैं जिनके ऊपर आपको टैक्स माफ होगा। ये जो मैंने पर्पल में लिखा है ये भी आपने पढ़ना भी नहीं और नोट भी नहीं करना, बाकी ये नोट कर लें, जबानी याद कर लें। चीजें बनाने पर भी टैक्स माफ होगा, शिप बिल्डिंग पे भी टैक्स माफ। इन दोनों का मुश्किल सा नाम ग्रीन फील्ड अंडरटेकिंग, इसका नाम ग्रीन फील्ड नहीं है, ये अजीब फील्ड अंडरटेकिंग है अपनी तरफ से। तो अजीब फील्ड अंडरटेकिंग कौन सी अंडरटेकिंग है, जो ऐसी एनर्जी बनाए जिससे सोलर प्लांट्स बना, ऐसे प्लांट बनाए जिससे सोलर प्लेट्स बन सके। जी बिल्कुल, चलें जल्दी करें। उदासी सी छा जाएगी वैसे जब आप जाएंगे क्लास से, तो ये मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा, ना ही जाए तो बेहतर है, जाने वाले को रोक सकते हैं। भाई हॉस्टल वगैरह बंद हो रहे हैं तो किसी होटल वगैरह में दो तीन चार लोग रूम शेयर करके दो तीन दिन, क्या कह रहे हो, बोलो, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं तो कितने रहने हैं। मैं फाइव स्टार की थोड़ी बात कर रहा हूँ, किसी भी टू थ्री स्टार में बंदा कंफर्टेबली रह सकता है। ये जो आपके साथ बैठा हुआ ये कब जा रहा है, क्या इरादा कर लिया कब जाने का, हाँ आज कहाँ जाने आपने, पिशावर जाने, तो पिशावर कल नहीं चल रही होंगी बसें से, अच्छा पिंडी तो संडे को भी चलेंगी, पिंडी तक चले जाना, पिंडी से पिशावर तो ईद वाले दिन भी चलेंगी, चलती है ना। ओके, मुझे नहीं पता, नहीं मेरे तो इतनी हिम्मत होती छुट्टी करने की, आप लोग कैसे कर लेते हैं हिम्मत, बहुत जज्बे में चाहिए इसके लिए। ओके, अच्छा जी, अगली दो बातें आपने बड़ी गौर से समझनी है।
ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हुकूमत के पास अपने आप को आके रजिस्टर करवाया एज अ कंपनी 30 जून 2019 से 30 जून 2024 के दरमियान। कब अपने आप को हुकूमत से आके इनकॉर्पोरेट करवाए? जैसे बच्चा पैदा होता है ना, ऐसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाके अपने आप को किन तारीखों में रजिस्टर करवा ले? इसका मतलब है अगर बाद में रजिस्टर करवाएगी तो शायद इसको ये बेनिफिट ना मिले। और ये जो सोलर प्लेट्स वाली हैं, ये कंपनीज अपने आप को 30 जून 2023 से पहले पहले रजिस्टर करवा लें। असल में ये सेक्शन तो 30 जून 2019 को ही आया था, तो 30 जून 2019 इधर भी लिखा होना चाहिए था, उसने लिखा नहीं। ऐसे ही उसने कसरे नफसी से काम लिया, कंजूसी से बाय का लफ्ज लिख दिया खाली। तो अगर 30 जून 2019 से 30 जून 2024 के दरमियान किसी कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया तो उसको ये वाला बेनिफिट मिलेगा, और अगर 30 जून 2024 के बाद करवाया तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेड वाला मत पढ़ें। और ये जो सोलर वाली है, ये अपने आप को कब तक रजिस्टर करवा ले आके? 30 जून 2023 तक। अगर 30 जून 2023 से पहले पहले अपने आपको कंपनी बना के रजिस्टर करवा लिया तो इसको मशीन खरीदने पे, बाकी चीजें खरीदने पे टैक्स माफ होगा। नोट कर लें। तो बच्चा पैदा होता है और कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, नहीं फिर उसको नहीं मिलेगा। अगर कोई पुरानी इनकॉर्पोरेटेड है उसको नहीं मिलेगा। ओके अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो गौर से समझनी है। अगर आपने कंपनी इन तारीखों में जाके रजिस्टर करवा ली, प्लांट आप जब मर्जी खरीदें, प्लांट जब मर्जी खरीदें, हो सकता है आपने 28 जून 24 को जाके अपने आप को रजिस्टर कराया हो, प्लांट आप जो है वो 2025 में खरीद लें कोई मसला नहीं, और 2025-26-27 में प्लांट इस्तेमाल करके पुराना हो जाए, आप उसको बेच के 2028 में कोई नया प्लांट खरीदें। वेन एवर यू मेक इन्वेस्टमेंट यू विल बी अलाउड टू अवेल टैक्स क्रेडिट। तो ये टैक्स क्रेडिट किसी भी टाइम लिया जा सकता है, प्लांट जब मर्जी खरीदें, इन्वेस्टमेंट जब मर्जी करें प्लांट में, लेकिन कंपनी का रजिस्टर करवाएं। जैसे मैं एक बात करूं कि जो बच्चे क्लास में पहले 15 मिनट में आ गए उनको हर 10 मिनट बाद एक कैलकुलेटर तोहफे में मिलेगा। अब अगर क्लास घंटे की है तो पहले 15 मिनट नहीं मिलेगा, पहले 15 मिनट में तो आना जरूरी था। अब आ गए जब कदम रख लिया, जब 14वें मिनट में भी कदम रख दिया, अब आपको हर 10 मिनट बाद क्या मिलेगा? कैलकुलेटर तोहफे में मिलेगा। ये बात समझ आ रही है? ये दोनों बातें इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली कंपनी कब बनवाएं आप? 30 जून 2024 से पहले पहले। अब अगर आपने जान मार के हिम्मत करके 28 जून 2024 को कंपनी बनवा ही ली तो आप खुश हो जाएं। प्लांट खरीदने में कुछ देर हो सकती है, पैसे से अरेंज करें प्लांट खरीदें। प्लांट चाहे आप 2 जुलाई 2024 को खरीद रहे हो तो जिस टाइम भी आप प्लांट खरीदेंगे आपको ये टैक्स माफ हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात? तो ये नोट कर लें। टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा? व्हेन एवर यू मेक इन्वेस्टमेंट। व्हेन एवर यू मेक इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? यहां पे लॉ मेकर ने कंजूसी की या सखीपन दिखाया? सखीपन दिखाया। प्लांट खरीदे कंपनी तो टैक्स माफ हो रहा है ना, तो कंपनी इस अरसे में बन जाए और उसके बाद प्लांट जब मर्जी खरीदे। तो ये प्लांट खरीदने की डेट नहीं है, ये किसके रजिस्टर होने की डेट है और नीचे किसकी तारीख है? प्लांट जब मर्जी खरीदे। ओके यहां पे लॉ मेकर ने थोड़ी सी कंजूसी का इजहार किया। यहां पे उसने कहा है कि समझिएगा, यहां पे उसने कहा है कि अगर आपने प्लांट खरीदा, अगर आपने कंपनी रजिस्टर करा ली 30 जून 23 तक, मिसाल के तौर पे आपने 22 जून 23 को कंपनी रजिस्टर कराई, अब आप पहले 5 साल जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उन पर टैक्स माफ होगा। 22 जून 23 को आपने कंपनी रजिस्टर कराई, 22 जून 24, 22 जून कंपनी रजिस्टर करा ली, शुक्र है ये वाला बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, इनकॉर्पोरेट आपने करा लिया, तो 30 जून 23 से पहले 22 जून 23 को आपने कंपनी रजिस्टर करा ली, अब आप जब मर्जी प्लांट खरीदे नहीं, अब आप सिर्फ प्लांट खरीद सकते हैं 22 जून 24, 22 जून 25, 22 जून 26, 22 जून 27, 22 जून 28 फॉर इन्वेस्टमेंट्स मेड इन 5 years ऑफ सेटअप। ये इन्वेस्टमेंट चाहे आप 15 साल बाद भी कर लें तो टैक्स माफ हो जाएगा, 2034 में जाके भी आप प्लांट खरीदें तो टैक्स माफ हो जाएगा, लेकिन इसका कब प्लांट खरीदना पड़ेगा? 5 साल के अंदर अंदर। तो यहां पे थोड़ी सी ऊपर भी थोड़ी सी कन जूसी की थी, 24 की बजाय 23 की डेट कर दी थी, और इधर नीचे भी थोड़ी कन जूसी।
घर किस लिए जा रहे हैं? खाने पीने, घूमने फिरने, मिलने जुलने या पढ़ने पढ़ाने? पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कोई भी फैमिली में कोई फंक्शन हो, कोई और इरादा बने लोगों का कुछ हो, चलिए इसको देख लेते हैं। तो आपने उनको कह देना मैं सी जरा कर लूँ, बस आपने चुप करे कमरे में चले जाना। एक दो दफ़ा आप करेंगे वो बाकी लोग भी आदि हो जाएंगे, ठीक है पुत्र सी ए जब आया था, कोई मसला नहीं, ये थोड़ी सी कुर्बानी है। फिर सितंबर में आप जहाँ मर्जी चले जाइएगा सैर करने, आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी जाइए, दोस्तों के साथ घूमिएगा, जो मर्जी करिएगा, जो मर्जी खाइएगा, पूरे बकरे को बुला के खा लीजिएगा, कोई मसला नहीं। अबू बकर ये वो देख रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है, ये जितनी देर में ऑन होता है आप नोट फिर बाद में कर लीजिएगा। अभी आप हजरात ऐसा करें कि इसकी थ्योरी पढ़ लें, ये नोट कर लीजिएगा जिस वक्त लाइट आती है, इसकी थ्योरी पढ़ लें। पेज नंबर 69, पेज नंबर 69 पुरानी बुक है, पेज नंबर 72 भाई ये बुक नहीं ले लें, मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ। पेज नंबर 72 पॉइंट नंबर 3 पढ़ें जी, एलिजिबल पर्सन, एलिजिबल पर्सन। चलिए ये नोट कर लें जो आप कर रहे थे, पिछली सॉरी किसकी बुक है, नोट कर लें जो आप नोट कर रहे थे। अब आखिरी दफा मैं आपको बात पूरी तफसील से बताने लगा हूं, अटेंटिवली आपने सुननी है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग चीजें बनाती है, जो मर्जी चीजें बनाए, पंखे बनाए, कलेक्टर बनाए, जो मर्जी बनाए, या फिर शिप्स बनाती है, और ऐसी इंडस्ट्रियल टेकिंग जो सोलर वगैरह बना रही हो, इन दोनों को सेक्शन 65G अम्ब्रेला में लेगा और टैक्स माफ करेगा। ये कंपनी इन तारीखों में बने, अगर जान मार के 29 जून 24 को भी बन गई है तो प्लांट चाहे 29 जून 34 में जाके खरीदे, वेन एवर यू बाय प्लांट यू विल बी अलाउड, बट इन केस ऑफ दिस कंपनी आपने जान मार के कंपनी बनवा ली 29 जून 23 को, आपने बड़े भाग भूख के जल्दी जल्दी रजिस्टर कराया, शुक्र है आपने कहा 29 जून 23 को रजिस्टर करा लिया। अब प्लांट अगर आप कितने सालों में खरीदें, 5 सालों में, यानी 29 जून 24 25 26 27 28 29 जून 28 तक आपने जान मार के प्लांट खरीदे, उसके बाद अगर प्लांट खरीदेंगे तो ये बेनिफिट अवेलेबल, तो ये बेनिफिट बहुत महदूद मुद्दत के लिए अवेलेबल है, और ये बेनिफिट सालहा साल के लिए अवेलेबल है। एलिजिबल पर्सन, एलिजिबल पर्सन मीन्स ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग एंगेज्ड इन, असल में ना ये दोनों एलिजिबल पर्सन है, ये दोनों एलिजिबल पर्सन है। एलिजिबल का क्या मतलब होता है, एलिजिबल इस काबिल हैं कि इनको क्या माफ हो, टैक्स माफ हो, ये दोनों एलिजिबल पर्सन है, ग्रीन फील्ड वाले भी और ये सोलर वाले भी। तो एलिजिबल पर्सन मींस ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और एंगेज्ड इन बोले शिप बिल्डिंग और पुटिंग गुड्स थ्रू एनी अदर प्रोसेस विद सब्सटेंशियल चेंजेस एयर कंडीशन, ये कल बात हुई थी। अच्छा ग्रीन फील्ड के लिए एक लिमिट है, वो लिमिट क्या है, इसने कब तक अपने आपको रजिस्टर कराना है, द क्रेडिट विल बी अलाउड ऑनली इफ अंडरटेकिंग इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन 30 जून 19 एंड 30 जून 24। ये अगली बात उसने की है, वो मैंने आपसे नहीं की थी, ये कंपनी नई होनी चाहिए एंड इज नॉट फाउंड बाय थ्रोइंग अप ऑफ एनी कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, सो नई कंपनी होनी चाहिए, पुरानी कंपनी तोड़ के ना बने। मैंने आपको क्या थ्योरी में ये वाली बात पढ़ा दी है, ये वाली बात अभी पढ़ ली हमने, ये बात पढ़ ली, ये बात पढ़ ली, ये मैंने अपनी तरफ से लिखवाई है, लॉ में नहीं लिखी हुई, जब लॉ खामोश हो तो फिर लॉ में ये बेनिफिट लामतना ही वक्त के लिए अवेलेबल होता है, ये बात मैंने अपनी तरफ से लिखवाई है, ये मैंने आपको किताब में नहीं पढ़वाई। आप किसकी तरफ मूव करें, सोलर वाली की तरफ, सोलर वाली आपको पता है इंडस्ट्रियल टेकिंग की सेटअप बाय 30 जून 23, ये कब तक बनी हो, 30 जून 23 तक, एंड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम्स विद डेडिकेटेड यूज, ये प्लांट डेडिकेटेडली क्या कर रहा है, सोलर बना रहा है, डेडिकेटेड होते हैं मल्टीपल यूज, इसका कोई नहीं है, काट दें इसको छोड़ने पर, डेडिकेटेड यूज, डेडिकेटेड यूज का क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ क्यों, फॉर जनरेटिंग एनर्जी, रिन्यूएबल को ब्रैकेट में ले लें, फॉर जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम सोर्सेज लाइक सोलर, की जो सोर्सेज हैं सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस करना इसका मकसद है, क्लियर, सोलर से या विंड से, और ये बेनिफिट कब तक अवेलेबल है, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years बिगिनिंग फ्रॉम द डेट सच अंडरटेकिंग इज
जब वो अंडरटेकिंग बनी तब से आगे 5 साल तक ये बेनिफिट अवेलेबल है। ये ना आपको याद करने में थोड़ा टफ टाइम देगा, पॉइंट बी, इसे पिछला जितना पढ़ाया वो इतना टफ टाइम नहीं देगा, पॉइंट बी थोड़ा याद करने में टफ टाइम देगा। दोबारा पढ़ लें, इट इज एन इंडस्ट्रियल टेकिंग सेटअप बाय 23 इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट फॉर जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम सोर्सेज लाइक सोलर। तो इसलिए इस इंग्लिश को मैंने यहां दोबारा एक दफा लिखने की कोशिश की थी, इंडस्ट्रियल टेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम सोलर। यह फिक्र थोड़ा सा बस याद करना पड़ेगा, बाकी फिक्र आसान है। और ये कंपनी कब तक बन जाए या इदारा कब तक बन जाए? 23 तक। और प्लांट कब खरीदे? बनने के 5 साल के अंदर अंदर। अगर किसी भी वक्त प्लांट खरीदे इनको टैक्स माफ, लेकिन अगर 5 साल प्लांट ना खरीदे, 6ठे साल जाके खरीदे, कोई मसला पड़ जाए तो फिर इसको टैक्स माफ नहीं होगा। अब आखिरी डेफिनेशन क्या? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। ग्रीन फील्ड होती क्या? कहते ग्रीन फील्ड ऐसी होती है जिसके लैंड भी नहीं हो, बिल्डिंग भी नहीं हो, कंपनी भी नहीं हो और टेक्नोलॉजी भी नहीं हो। और कर क्या रही हो वो मैंने आपको बता दिया है, वो या शिप बिल्डिंग कर रही हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स कर रही हो। हो कौन? जिसकी लैंड नहीं हो, बिल्डिंग नहीं हो, कंपनी नहीं हो, टेक्नोलॉजी नहीं हो। कर क्या रही हो? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स कर रही हो या शिप बिल्डिंग कर रही हो। तो इसको ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहते हैं। तो लिख लें, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है? जिसके लैंड नहीं हो, बिल्डिंग नहीं हो, कंपनी नहीं हो और टेक्नोलॉजी नहीं हो। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कितने लोगों को लग रहा है कि घर जाके हम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ सकेंगे? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को लग रहा है नहीं, एक्टिविटीज ऐसी हैं कि दाएं बाएं हो जाएंगे या ना जाएंगे? नहीं, पढ़ने वाले तो जाएं, जिनको लग रहा है कि इधर उधर एक्टिविटीज में फिर क्या बनेगा यार? देखो पूरे 6 महीने स्टेक पे होते हैं आपके, इस बात को समझो। अकेले में बैठ के ना जनरेटर के पास या लाइब्रेरी में कहीं सर ऐसे डाउन करके सोचिएगा, सोचेगा कौन कौन? सोचिएगा, सोचिएगा कि यार मेरा क्या बनेगा अगर मैंने ये दिन ज़ाया कर दिया, ठीक है? और इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के फ़ायदे सोचिएगा ये दिन, और ये दिन ज़ाया होने के नुकसान सोचिएगा, और अपने फ्यूचर को सामने रख के, टीचर के फ्यूचर को नहीं, अपने फ्यूचर को सामने रख के सोचिएगा। कितने लोग सोचेंगे? बोलिए भाई आप भी हाथ खड़ा कर दें। अपने फ्यूचर को सामने रख के सोचने, वालिदैन का चेहरा जहन में लाने, वालिदैन का चेहरा जहन में लाने, सोचने मैं मम्मी को खुशी दे दूँ तो मैं पढ़ लेता हूँ, फिर दोस्तों को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ऑफलाइन कुछ कर दिखाएं ऐसा कि लोग दूर दूर से आपको शाबाश देने आए। चलें जी पढ़ें, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मीन्स अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच इज सेट अप ऑन अ लैंड दैट इज नॉट प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है? दुकानें, प्लाजे वगैरह। दैट इज नॉट यूज्ड फॉर एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है फैक्ट्री वगैरह पहले से वहां ना बनी हो, और ऐसी लैंड जहां पे पहले मैन्युफैक्चरिंग ना हो रही हो, ये भी तो फैक्ट्री होती है, और क्या होती है। तो इससे साबित क्या हुआ कि लैंड कौन सी होनी चाहिए? न्यू लैंड को मुश्किल लफ्ज क्या है? नॉट प्रीवियसली। मैंने तो न्यू लैंड लफ्ज बोला, उसने मुश्किल लफ्ज क्या यूज किया? नॉट प्रीवियसली यूज्ड। ये ब्रैकेट वाली बात काट दें। अच्छा, पहली बात क्या होगी? लैंड क्या होनी चाहिए? न्यू। दूसरी बात, बिल्डिंग न्यू, बिल्ट विदाउट डिमोलिशिंग एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। बड़ी आसान इंग्लिश है ये, बिल्ट विदाउट डिमोलिशिंग एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग तोड़ के अगर आप बिल्डिंग अपनी बनाए तो कहते हैं मुझे ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल नई बिल्डिंग बनानी चाहिए, लैंड भी नहीं हो, बिल्डिंग भी नहीं हो। विदाउट डिमोलिशिंग, विदाउट रिवैम्पिंग, विदाउट रेनोवेटिंग, विदाउट अपग्रेडिंग, विदाउट रीमॉडलिंग, विदाउट मॉडिफाइंग। कहते पुरानी चीज की तराश खराश, इंप्रूव करना, मॉडिफाई करना, तोड़ना, बनाना, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बिल्डिंग क्या होनी चाहिए? न्यू होनी चाहिए। ये जो पॉइंट टू है ये भी थोड़ा सा आपको याद करने में टाइम लगेगा। पॉइंट टू, वन याद हो जाएगा, सेटअप ऑन अ लैंड दैट इज नॉट प्रीवियसली यूज्ड। अच्छा, तीसरी, नॉट फॉर्म्ड बाय तोड़िंग अप और दोबारा जोड़ना ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। पहले से न्यू कंपनी भी न्यू होनी चाहिए, पुरानी कंपनी तोड़ के जो कंपनी ना बनी हो। और आखिरी शर्त भैया, ये सेक्शन याद कर लीजिएगा। पहले इस जैसे 3 सेक्शन थे लॉ में, वो तो आई कैप का भला करे उसने निकाल दिए, इस जैसे 1 सेक्शन रह गया, इस जैसे 3 सेक्शन थे अजीब अजीब से। तो ये अजीब अजीब सी बातें हमें लग रही है, अच्छी वाली चीजें चल रही थी, अजीब अजीब सी अंग्रेजियां आ गई हैं बीच में। तो इसको थोड़ा सा सेक्शन को हिम्मत करके ना याद कर लीजिएगा। आखिरी बात, यूजिंग एनी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी दैट हैज नॉट अर्लियर बीन यूज्ड इन पाकिस्तान। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाएं, ऐसे कुछ पढ़ें कि पाकिस्तान में वैसा पढ़ा ना जाता हो पहले।
अच्छा, यूजिंग एनी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी दैट हैज नॉट अर्लियर बीन यूज इन पाकिस्तान एंड इज अप्रूव्ड बाय इंजीनियरिंग डेवलपमेंट. और ये नहीं कि जिस टेक्नोलॉजी को आप नहीं कह रहे हो वो टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी वो नहीं होगी जो किसकी नजर में नहीं हो, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की नजर में नहीं हो. और इन द एंड भाईजन ये सारा अरेंजमेंट आपने किससे अप्रूव कराने, कमिश्नर हमारा वाला, इनकम टैक्स वाला, कमिश्नर इनकम से अप्रूव कराने. और दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल फ्रॉम यकम जुलाई 2019 एंड ऑनवर्ड्स. तो ये कॉन्सेप्ट किस वक्त आया था लॉ में, यकम जुलाई 2019 और उसके बाद के लिए आया था. अच्छा जी, बता दें ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग की चार करेक्टरिस्टिक्स. नंबर वन भाई, ये न्यू लैंड न्यू बिल्डिंग लिखे गुजारा नहीं चलेगा. लैंड दैट इज नॉट प्रीवियसली यूज्ड, बोले जरा फूल जड़े, घर में भी इसी तरह बोलेंगे. मैं कहूंगा हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करेंगे, वेल डन वेल डन वेल डन. लैंड इज नॉट प्रीवियसली यूज्ड, बिल्ट विदाउट डिमोलिशिंग एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, बिल्ट विदाउट डिमोलिशिंग एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. घर में साथ वाले पैसे पूछेंगे जब मैं इशारा कहूंगा, ऐसे पूछें उससे, कुछ पूछेंगे उससे. ओके, नॉट फॉर्म्ड बाय तोड़िंग अप और रीजोड़िंग ऑफ एनी बिजनेस ऑलरेडी इन एंड यूजेज एनी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी डेट हैज नॉट अर्लियर बीन यूज्ड इन पाकिस्तान. ये तीन सेक्शन मेरे भाई पिछले साल लॉ में नए आए हैं, तीन सेक्शन. इस अटेम्प्ट में आईकैप ने जो है वो ये वाला टेस्ट कर लिया है 65F, कल मैंने आपको दिखाया अभी था. अब बहुत ज्यादा चांस है कि इस अटेम्प्ट में वो सेक्शन 65G टेस्ट करें. न्यूमेरिकली टेस्ट नहीं करेगा, थ्योरी का सवाल आएगा, ग्रीन फील्ड की डेफिनेशन आ जाएगी, एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन आ जाएगी, इनकी डेफिनेशन आ जाएगी. तो ये बहुत चांस है कि ये टेस्ट हो, तो इसलिए इस अंग्रेजी को आपने अच्छे तरीके से याद करना है. ठीक है जी, चैप्टर 5 में आ जाएं, बस बोरिंग सी चीजें खत्म हो गई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आज. एक चैप्टर 5 में आए, पेज नंबर 55 पे, चैप्टर 5 में आए पेज 55 पे, पहला सफा. मैं डेफिनेशन पढ़ाने लगा हूं एसोसिएट्स की, चैप्टर 5 पहला सफा, एसोसिएट्स की डेफिनेशन. शेख रशीद कौन है जी, क्या कहते हैं मैं प्रिंसिपल हूं, और इंजमाम क्या कहते हैं मैं इसका, और शाहिद अफरीदी क्या कहते हैं मैं इसका एजेंट हूं. शेख रशीद ने कहा इंजी भाई आप ऐसा करें, आप जो है गर्मियों के मौसम में मुल्तान में जाएं, वहां से मांजो मैंगो खरीदें और मैंगो खरीद के बेचें, मैं आपको कमीशन दूंगा. ठीक है जी, कोई मसला नहीं बॉस, हुक्म आपका. शाहिद अफरीदी को बुलाया इसने और शाहिद अफरीदी को कहा शाहिद भाई आप सर्दियों के मौसम में सर गोदा जाएं और सर गोदा जाकर वहां से ऑरेंजेस खरीदें और खरीद के बेचें, मैं आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा. तो मुझे बताएं क्या ये दोनों एजेंट करार दिए जाएंगे, बिल्कुल. और शेख रशीद को इनका क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल कहा जाएगा. क्या मैं एक इंग्लिश का फिक्रा बोल सकता हूं, इंजमाम इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सोच ऑफ शेख रशीद. इस फिक्रे को याद कर लें, इंजमाम इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट, इंजमाम हरकतें करता है, ये हरकतें कर रहे हैं देखें, इंजमाम एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सोच ऑफ शेख रशीद, जो शेख रशीद सोचेगा वो इंजमाम करेगा. तो इंग्लिश का फिक्रा, इंजमाम इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सोच ऑफ अदर्स, शेख रशीद की सोच के मुताबिक चलेगा, क्लियर. इसको क्योंकि आप लोग इधर बैठे हैं घर नहीं बैठे, इसलिए मैं इस बात खुल के कर लेता हूं. इसको कहते हैं कि शेख रशीद ने इंजमाम को आगे लगा के रखा हुआ है, शेख रशीद ने इंजमाम को आगे लगा के रखा हुआ है. और कल ऐसी बातें नहीं होंगी, आज मैं ऐसी बात कर लेता हूं, जैसे घर में शोहर ने बीबी ने शोहर, तो छोड़ें. तो इस तरह शेख रशीद ने इंजमाम को आगे लगा के रखा हुआ, नोट कर लें, आगे लगा के रखें, हैंड फ्री लगा के लेक्चर सुन लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा, हैंड फ्री लगा के सुन लीजिएगा, चलें चलें जल्दी, हैंड्स में लेकिन बॉल पॉइंट पकड़ लीजिएगा, बिल्कुल ही हैंड्स फ्री ना हो जाए. कितने लोग हैं जिन्होंने डिसीजन चेंज कर लिया, सैटरडे भी जाएंगे, एक वेल डन, एक दो वेल डन वेल डन, एक्सेलेंट, कीप इट अप गाय. हजारों साल नरगिस बेनूरी पर रोती थी, रोना खत्म कर दिया, चमन में दीदावर पैदा हो रहे हैं. खुदी को कर बुलंद इतना कि छुट्टियां तेरे से पूछें. ज्यादा छुट्टियां ना बंदे को खराब करती हैं, ज्यादा छुट्टियां, दो तीन चार पांच छुट्टी हो फिर भी बंदा हो जाता है, ये जो सात सात आठ आठ छुट्टियां होती हैं ना ये बंदों को खराब करती हैं आदत उनकी. अच्छा भाई, इसमें ना अब लॉ मेकर कहते हैं कि ये ना आपस में एसोसिएट हैं, ये आपस में जानने वाले हैं, आप एसोसिएट की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं, और ये भी आपस में क्या है, एसोसिएट हैं, देख रहे हैं ऊपर, ये भी आपस में क्या है, एसोसिएट हैं. और मोहतरम अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो ये भी आपस में क्या है,
एसोसिएट है, तो ये तीन रिलेशन डेवलप करें एसोसिएट के, तीन जगह टिक लगाएं। तीन टिकों मार लिए। अच्छा अब पढ़ें अंग्रेजी। उदास हो जाएगा साथ वाला अगर आप चले गए कल तो। टू पर्सन शेल बी एसोसिएट्स, दो बंदे आपस में क्या होंगे? वेयर द रिश्ता बिटवीन द डैम इज सच्चा, सॉरी इज सच, वेयर द रिश्ता बिटवीन द टू इज सच दैट वन इज डूइंग हरकतें इन अकॉर्डेंस विद द सोचिंग ऑफ अदर, जहां एक की हरकतें दूसरे की सोच पर डिपेंड करती हैं, और बोथ आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद इंटेंशंस ऑफ, ये जरा आपने देखना है, और बोथ, देखें जरा दोबारा, बोथ आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद इंटेंशंस ऑफ अ थर्ड पर्सन, मजा आएगा करें जरा, बोथ, अरे अब कौन करेगा इधर अगर आप ना हुए तो, बोथ are expected to act in accordance with the intentions of a third person. यहां third person से मुराद कौन है? शेख रशीद। बोथ से मुराद इंजमाम और शाहिद अफरीदी, साउथ अफ्रीका नहीं। गाय से पूछें आगे चलें। घर वाले समझने बायो की क्लास हो रही है। जी भाईजान, नेस्ले का सीएफओ एफसीए है, यानी सीए किए हुए काफी अरसा हो गया, ठीक है, ये एम्प्लॉयर है। इसने दो बंदों को नौकरी पर रखा, कामरान जिसने एमकॉम किया हुआ है और अंजुम जिसने सीए किया हुआ है, तो इनको इसने नौकरी पर रखा है। तो बजाहिर आपको पता है कि कामरान सीएफओ की बातें मानेगा बिल्कुल, और अंजुम भी सीएफओ की बातें मानेगा, लेकिन हमारे लॉ ने इनको एसोसिएट्स की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इनके लिए सैलरी का चैप्टर अलग से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, तो इनको एसोसिएट की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया। हालांकि यहां वो जो जनरल डेफिनेशन है वो पाई जा रही है कि वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर, बट दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एसोसिएट। नोट कर लें, कल से तो आपको कोई देख भी नहीं रहा होगा, आज तो चलो मैं देख रहा हूं, नोट करेंगे जन। आधा घंटा वालदेन के पास बस अपने डेली बैठने, और बाकी 14 से 14 घंटे पढ़ लीजिएगा। कितने कहने एक दो और बात की ना तो मैंने इधर ही रुक जाना है, बस कर दे, मैंने रोने लगे, मैंने इधर ही रुक जाना है, और आ जानी है एक दो और बात भी। यार अब क्या बताऊं, क्या क्या दिल पे लिया हुआ है। अच्छा चले पढ़े पॉइंट टू। Two persons shall not be associates. Two persons shall, अगर उन्होंने कहना अफ्रीका से टीचर आया हुआ है, टू पर्सन शेल नॉट बी एसोसिएट सोली बिकॉज वन इज एन एम्प्लॉय ऑफ द अदर, वन इज एन एम्प्लॉय ऑफ द अदर, और बोथ आर एम्प्लॉयज ऑफ अ थर्ड पर्सन। वन इज एन एम्प्लॉय ऑफ द, आपने ये नहीं समझा कि वीडियो रुक गई है, वन इज द एम्प्लॉय ऑफ अदर, और बोथ आर एम्प्लॉयज ऑफ अ थर्ड पर्सन, बोथ आर एम्प्लॉयज ऑफ अ थर्ड पर्सन। द फॉलोइंग शेल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एसोसिएट, कहते इसके साथ मैं आपको चाहता था एसोसिएट की कोई वाजिब की मिसालें दे दूं। फॉलोइंग शेल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स, एन इंडिविजुअल एंड अ रिश्तेदार ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और उसके रिश्तेदार। पार्टनर्स ऑफ एओपी भी आपस में क्या है? एसोसिएट है। इन दोनों बातों को ना मैंने कल जरा एक्सप्लेन करना है डिटेल से, क्योंकि इन दोनों बातों की ना अगले सफे पे एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए इन दोनों बातों को मैंने कल डिटेल से एक्सप्लेन करना है। फिलहाल बस हल्का फुल्का सा जहन बना लें, रिश्तेदार आपस में क्या है? जानने वाले, एसोसिएट,
और पार्टनर्स ऑफ एओबी भी आपस में क्या है, लेकिन इनमें थोड़ी सी तफसील है, थोड़ी सी एक्सेप्शन है, उनको हम कल देखेंगे। पॉइंट सी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी। एक पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म सांस लेती है या आर्टिफिशियल पर्सन है? सांस लेती है, आर्टिफिशियल पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। मिस्टर ए सांस लेते हैं तो नेचुरल पर्सन, मिस्टर बी सांस लेते हैं तो नेचुरल पर्सन। मिस्टर ए ने कितने शेयर ओन किए हुए पार्टनरशिप फॉर्म के? 60%। और मिस्टर बी ने, आप नीचे तशरीफ ले जाएं जी, मिस्टर बी ने कितने शेयर ओन किए हुए हैं? 40%। ए ने 60 और बी ने 40%। अच्छा, अगर कभी यह हुआ कि पार्टनरशिप फॉर्म ने फैसलाबाद में दुकान खोलनी है या नहीं खोलनी, तो ए कहेगा वोटिंग करा लो बी। पागल ही बनाया तूने मुझे। ए 60 वोट अपने आप को डाल लेगा, अब बी अपने आप को 40 वोट, दो दफा भी डाल ले तो हैं 40 ही। तो बताएं किसकी चल रही है घर में? बबू की अम्मी, सॉरी, ए की चल रही है, बी की चल रही है? ए की चल रही है। तो मोहतरम, इधर मैं मारूंगा तिक्कू, इधर मैं मारूंगा क्रॉस। ये आपस में है या नहीं, ये मैंने क्या कल बात करेंगे, इस बहस में अभी ना जाएं। इधर मैं टिक मार रहा हूं, इधर क्रॉस मार रहा हूं। सॉल्यूशन क्या बना? मिस्टर ए एंड पार्टनरशिप फॉर्म आर, क्योंकि किसकी चल रही है, जिसका हिस्सा ज्यादा है फॉर्म में या जिसका हिस्सा कम है? जिसका हिस्सा ज्यादा है उसकी चल रही है। ओके, नोट कर लो। ये अगला पॉइंट है, सी पॉइंट है ना, सी सी, लेट सी द सी। समझ आ गया क्या नोट करना है? देखे बगैर कर लो नोट। ऊपर बनाओ पार्टनरशिप फॉर्म, ऊपर बनाओ पार्टनरशिप फॉर्म, नीचे बनाओ मिस्टर ए और फिर बनाओ मिस्टर बी। मिस्टर ए के साथ ये ऑन हो रहा है खुद, मिस्टर ए के साथ लिखो 60% और मिस्टर बी के साथ क्या लिखो 40%। और टिक कहां मारने? मिस्टर ए पे, मिस्टर बी पे टिक नहीं मारना जी। अंग्रेजी पढ़ लें, अंग्रेजी पढ़ लें। पॉइंट सी, पॉइंट सी, अ मेंबर ऑफ एन एओपी एंड एओपी, बोले अ मेंबर ऑफ एन एओपी एंड एओपी, यानी मिस्टर ए और एओपी जहन में रखें। अ मेंबर ऑफ एन एओपी एंड एओपी वेयर द मेंबर इधर अकेला, केला नहीं अकेला, वेयर द मेंबर इधर अकेला, दूसरा बुलेट नहीं पढ़ना, वो मैं मारूंगा, दूसरा बुलेट नहीं पढ़ना। वेयर द मेंबर इधर अकेला कंट्रोल आधा या ज्यादा, कंट्रोल आधा या ज्यादा राइट टू इनकम और राइट टू कैपिटल। मुझे डिफरेंस बताएं राइट टू इनकम या राइट टू कैपिटल में। कैपिटल ये होता है कि कारोबार शुरू हुआ था तो लाख रुपया डाला था, तो 60,000 ए ने डाला, 40,000 बी ने डाला, इसको कहते हैं कैपिटल। और प्रॉफिट या इनकम क्या होती है कि कारोबार में से 100 रुपया बचा, 100 में से 60 ले गया ए, 40 ले गया बी, तो ये इसको कहते हैं इनकम। और कैपिटल क्या होता है? जिस कारोबार, जिससे आप पैसा शुरू करें, जिस पैसे से कारोबार शुरू करें। तो सरमाया, पॉइंट सी, अ मेंबर ऑफ एन एओपी यानी मिस्टर ए एंड एओपी वेयर द मेंबर इधर अकेला कंट्रोल आधा या ज्यादा ऑफ द राइट टू इनकम और राइट टू कैपिटल ऑफ एओपी। क्लियर? आखिरी मिसाल है, गौर से समझनी है। ये क्या है भाईजान? पार्टनरशिप फॉर्म आर 40%, बी 20%, सी 40%, आर रशीद, बी बानो। अच्छा, ये आपको एक बात बता रहा हूं अंदर की, ये ना मियां है और ये उसकी बाजीनी बीवी, ये उसकी बीवी है। आप बता दें, देखने में तो कोई भी आधा या उससे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन क्या मियां बीवी आपस में मिले हुए हैं? मिली भगत होगी मियां बीवी के आपस में? जब मियां बीवी आ रहे होंगे गाड़ी में, शोर अपनी गाड़ी में, बीवी अपनी गाड़ी में, नहीं, दोनों एक गाड़ी में जब आ रहे होंगे तो रास्ते में वो कहेंगे कि देखी जाएगी सी को, बता देंगे सी को चीमे की ऐसी की तैसी, चीमा जरा सामने तो आया, आज चलनी हमारे, हम दोनों की है, क्यों हम दोनों की चलनी है? क्योंकि बानो कहेगी तू मेरा सरताज, तो हम दोनों की चलनी है, और किसकी चलनी है? तो बोले ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, इन दोनों को मैं एसोसिएट कह सकता हूं वैसे रिलेटिव होने की वजह से। यार बीवी से बड़ी रिलेटिव, सॉरी वालदैन, बहरहाल बीवी से बड़ी रिलेटिव और कौन है? तो इन दोनों को मैं रिलेटिव कह सकता हूं, मियां बीवी को,
मैं ये कर रहा हूं, ये इन दोनों को मैं रिलेटिव कह सकता हूं, ठीक है, स्क्रीन अपनी तरह करके लेक्चर लेने हैं। तो मियां बीवी को रिलेटिव कह सकते हैं नहीं कह सकते? क्या मियां बीवी दोनों मिलके पहुंचे हुए हैं? किससे ऊपर पहुंचे हुए हैं? 50 से ऊपर, सीमा से ऊपर नहीं, 50 से ऊपर। तो इसका मतलब है कि मियां बीवी के साथ मिलकर 50 से ऊपर पहुंचा हुए, बीवी मियां के साथ मिलकर 50 से ऊपर पहुंची हुई है, और चीमा अकेला 40 तक या 40 से नीचे बैठा हुआ है। तो चीमे की कितनी चलेगी इधर? तो इधर तीन टिकू बनाएं और एक क्रॉस बनाएं। चीमा और पार्टनरशिप फॉर्म आपस में एसोसिएट नहीं है। आप बोलें रशीद अकेला या किसी को साथ मिला के? साथ मिला के। किसको साथ मिला के? बीवी को। घर में नहीं बोलना बालों। ओके, जा घर में कैसे रोकोगे? तो ऐसे कर दूंगा, इधर अपने एजेंट बिठा के जाना, पॉज कर लेंगे, ठीक है, 2 घंटे में लेक्चर है मेरी तरफ से, मुझे क्या। ओके, अ मेंबर ऑफ एन एओपी एंड द एओपी वेयर द मेंबर इधर अकेला और टुगेदर विद अ बीवी और बीवियां। यस, शी कैन हैव मोर देन वन बानोस। ही कैन हैव टुगेदर विद बीवी और टुगेदर विद बीवियां। अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन का क्या मतलब है? एप्लीकेशन होता है यानी लॉ का कोई और पॉइंट, लॉ के किसी और पॉइंट के तहत ये रिलेटिव है ना, तो रिलेटिव होने की वजह से क्या है? बोले ना, मियां बीवी होने की वजह से खुद आपस में क्या है? एसोसिएट। तो शोहर ने अपने एसोसिएट को साथ में लाया ना, ये जो एसोसिएट बनी है बीवी, ये किस पॉइंट के तहत बनी है? रिलेटिव होने की वजह से। ये पार्टनर्स ऑफ एओपी वाला पॉइंट छोड़ेंगे, मैं कल इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये रिलेटिव होने की वजह से खुद आपस में पहले क्या बन गए? तो जब ये आपस में एसोसिएट बन गए तो दोनों मिलकर एओपी के साथ भी क्या बन गए? एसोसिएट बन गए। क्लियर? चलें यहीं से कल दोबारा शुरू करते हैं।